पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने के लिए महाभारत की गाथा से अधिक रोचक और मनोरंजक भला क्या हो सकता है। इस महान कथा का वर्णन किसी धर्म या समाज की भावना को ठेस ना पहुंचाते हुए बच्चों के लिए सरलता एवं उत्साह के साथ प्रस्तुत करना ही हमारा उद्देश्य है। एक संदेश वाहक हूँ। दूत? हाँ। संदेश वाहक? कौन सा संदेश और कैसा संदेश, किसके लिए? संदेश है सारी मानव जाति के लिए और सारी सृष्टि में जितने जीव हैं उन सब के लिए भी। पर कैसा संदेश? बताती हूँ, तुम दोनों भाई हो? हाँ। आपस में तुम्हारा भाईचारा है? हाँ। फिर आप क्यों झगड़ रहे थे? क्योंकि मन में लालच और ईर्ष्या की भावना जाग उठी। किस लिए? एक सोने के सिक्के के लिए? यही मेरा संदेश है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, एक युग की बात बताकर। उस युग और उन महान वीरों की कहानी सुनोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। कहानी, कहानी। हाँ। मैं संदेश की बात कर रही हूँ और तुम्हें सिर्फ कहानी सुननी है, ठीक है? तो लो सुनो। सुनो सुनाऊं एक कहानी, एक कहानी बहुत पुरानी। दादी माँ जो हमें सुनाती, युगों युगों की बात बताती। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ कैसे सुनाऊं। No prince, no princess.
सपने बुनती। एक दिन राजमहल में उसके एक ऋषि दुर्भाष पधारे। राजकुमारी ने की सेवा, पाया वरदानों का मेवा। पांच दिए वरदान अनोखे, पुत्र मिलेंगे सब देवों से। कुंती ने बेसोचे समझे, एक बालक मांगा सूरज से। बिन ब्याही मां बनकर उसको बदना का बेटा। कुंती ने गंगा को सौंपा, फिर पांडु से ब्याह रचाया, अर्जुन भीम युधिष्ठिर पाया। मंत्र दे दिया फिर माद्री को, जिसके जुड़वा पुत्र हुए दो। माद्री उस पांडु से किन्वाए बहुत अच्छे। वो दोनों सहदेव नकुल थे, शस्त्र कला में बड़े अतुल थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना कंफ्यूजन। अरे बुद्धू, कुछ समझता नहीं, रुक मैं समझाती हूँ। एक थे राजा पांडु, उनकी थी दो पत्नियाँ, एक थी कुंती एक थी माद्री। कुंती के तीन पुत्र, युधिष्ठिर भीम अर्जुन। माद्री के दो पुत्र, नकुल सहदेव। आप समझ आया? पांडु के भाई जो देख नहीं सकते थे धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी, उनके 100 पुत्र, पोते कौरव, और कौरव में सबसे बड़ा दुर्योधन। अब समझा? नो कंफ्यूजन। पांडु के थे पांच पांडव, धृतराष्ट्र के साथ कौरव। साथ पले थे, साथ बढ़े थे, द्रोणाचार्य के शिष्य बने थे। अभिमान, पूज्य श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह पधार रहे हैं। पूज्य श्री भीष्म पितामह की, पूज्य श्री भीष्म पितामह की, पूज्य श्री भीष्म पितामह की, पूज्य श्री भीष्म पितामह की। सज्जनों, मेरे लिए ये गौरव का अवसर है कि अब मेरे कौरव और पांडव
कुशल योद्धा बन गए हैं और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले गदा युद्ध होगा। कौरवों की ओर से राजकुमार दुर्योधन और पांडवों की ओर से राजकुमार भीमसेन। कौन जीत रहा है? महारानी गांधारी, मेरा भीम बढ़ बढ़ कर वार कर रहा है। और दुर्योधन? दुर्योधन भी कम नहीं है, अब वो पछाड़ रहा है भीम को। मन करता है अपनी आंखों से दुर्योधन का पराक्रम देखूं। और मेरा मन करता है अपनी आंखों को बंद कर लूं, कहीं मेरे भीम को मेरी ही नजर ना लग जाए। दुर्योधन रुक जाओ। पितामह इन्हें रोकिए। दुर्योधन, भीमसेन। दुर्योधन और भीमसेन की हार जीत का निर्णय कम से कम आज असंभव है। अब मैं पांडव अर्जुन को आमंत्रित करता हूं। प्रणाम आयुष्मान भव। मैं भगवान की सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि अर्जुन जैसा कुशल धनुर्धारी और कोई नहीं। यह सत्य नहीं है। क्षमा करें गुरुजी, आप अनजाने में ईश्वर की झूठी सौगंध ले रहे हैं। मुझे अपना कौशल दिखाने का एक अवसर दिया जाए। मामा श्री, ये अर्जुन की टक्कर का है, बाकी सब माया है माया। हाँ हाँ दुशासन। भांजे। हाँ मामा श्री। भांजे, तेरे शकुनी मामा को लगता है कि ये जीता जागता पासा तो भगवान ने तुम्हारे लिए फेंका है। आपका संकेत समझ गया मामा श्री। तुम्हें अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी होने का गुमान है? पहले ये तो बताओ तुम हो कौन? मैं कर्ण हूँ। कर्ण कौन? ये सारथी अधिरथ का पुत्र है। अधिरथ का पुत्र? एक साधारण सारथी पुत्र के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। कर्ण सारथी पुत्र नहीं, मेरा बड़ा पुत्र है। रथ हाँकने वाले के पुत्र, कुत्ता और यज्ञ का प्रसाद खाने की कामना, एक दास पुत्र और राजकुमारों का सामना। इस मुकाबले में केवल राजा या राजकुमार ही भाग ले सकते हैं, तुम नहीं। तो फिर आप अपने शब्द वापस लीजिए गुरुजी, कि अर्जुन ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। तो इसका भी कोई प्रमाण नहीं कि तुम अर्जुन से बढ़कर धनुर्धारी हो। तुम्हें भाग लेने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह अन्याय है। यह मेरा मित्र है और किसी राजकुमार का मित्र किसी राजकुमार से कम नहीं होता। पैर की जूती को सर पर रखने से वो राज मुकुट नहीं बन जाता। जिसके कुल का किसी को ज्ञान नहीं, उसके साथ युद्ध करने में राजकुमारों का अपमान है, अपमान। पितामह, कर्ण को भी किसी शत्रानी ने ही जन्म दिया होगा। अर्जुन जी, तुम इसके साथ युद्ध करने के लिए इसलिए तैयार नहीं क्योंकि ये राजकुमार नहीं? जी। तो ठीक है, मैं कर्ण को इसी पल अंग देश का राजा बनाता हूं। दुर्योधन, गिद्ध ऊंचा उड़े तब भी हंस नहीं बन सकता, ये राजा बनकर भी सूत पुत्र ही रहेगा। पितामह, कर्ण का भाग्य मैंने तय कर दिया है,
राजा सर झुका के नहीं, सर उठा के जीते हैं। अब तुम्हें इस मुकाबले में भाग लेने से कोई रोक नहीं सकता। मित्र, आज जो तुमने मुझे सम्मान दिया है, इसके बदले में तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा और अर्जुन से अपने अपमान का बदला उसके प्राण लेकर ही लूंगा। परंतु आज उसके प्राण नहीं, उसका अभिमान छीनना है। और कोई प्रश्न? अर्जुन, यह मुकाबला यूं ही बिना किसी निर्णय चलता रहेगा, इसलिए अर्जुन और कर्ण दोनों की बराबर होने की घोषणा की जाती है। पितामह। सज्जनों, हस्तिनापुर का इतिहास सब जानते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का अधिकार था, परंतु वो देख नहीं सकते, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। अब क्योंकि स्वर्गवासी महाराज पांडु और इस कुल के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं, इसलिए उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की जाए। मैं ताऊ जी की इच्छा का सदा आदर करता हूँ। प्रधानमंत्री विदुर जी, मेरी ओर से युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करें। पासा तो उल्टा पड़ गया। मैं धर्म रक्षक, न्यायपालक सम्राट धृतराष्ट्र की ओर से राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करता हूं। अधिकार पर डाका डाला है। पहले हमारा सिंहासन काका पांडु ने पिताजी से और अब उनके पुत्र ने मुझसे छीना है। पितामह और विदुर जैसे पांडु प्रेमियों के होते हुए और किया भी क्या जा सकता था? किया क्यों नहीं जा सकता? जी तो चाहता है कि सारे राज्य को आग लगाकर भस्म कर दूं। भस्म करना ही है तो पांडवों को करो। क्या मामाश्री, फेंकिए कोई ऐसा पासा कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। मामा के भांजे, मेरे पासे भी पांडवों को भस्म करने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, समझे? भाग जाओ।
हमारी चिताओं को आग लगाकर सुरक्षित भाग जाओगे। परंतु आपको किसने बताया? कायर, दुर्योधन और शकुनी की चालों को हम पहले से ही जानते थे। तुम सब उनके पाप के भागी हो, अब दंड भोगो। मृत्यु दंड। नहीं हो सकता। पर ये अनर्थ तो हो गया। पांचों पांडव और बहन कुंती भी जलकर भस्म हो गए। हाँ माताश्री, मैं स्वयं उन पांचों के जले हुए शव देखकर आया हूँ। अच्छा हुआ मैं और गांधारी देख नहीं सकते, अन्यथा अपने भतीजों और कुंती के अंतिम दर्शन का साहस कहाँ से लाते। पांडवों ने दुर्योधन का अधिकार छीना था, ये उसी का दंड। शकुनी भैया। पर पिताश्री, ठीक ही तो कहा है मामा ने, जैसी करनी वैसी भरनी। पांडव अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? धुएं और अंधेरे में सुरंग से निकलना इतना आसान नहीं है। भगवान की कृपा है आप लोग बच गए। आपकी कृपा है कि दुर्योधन के षड्यंत्र का पहले से पता चल गया। मैंने दुर्योधन के पीछे अपने गुप्तचर लगा रखे हैं। और समय रहते ये सुरंग भी बना डाली। वाह काका वाह। आइए, नाव तैयार है, ये आपको गंगा पार पहुंचा देगी। मैं गंगा पार नहीं, हस्तिनापुर जाऊंगा। दुर्योधन और कौरव हमारी मृत्यु का महोत्सव मना रहे होंगे। बुद्धि से काम लो, दुर्योधन इस भ्रम में है कि तुम लोग मर चुके हो। तुम इस भ्रम का लाभ उठाओ, कुछ समय छिपे रहो और अपनी शक्ति बढ़ाओ, साथी बढ़ाओ। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद है कि कौरवों के साथ शकुनी मामा तो हमारे साथ विदुर काका हैं। आपके साथ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उचित समय पर वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। रात बिताने के लिए ये जगह ठीक है, क्यों प्रातश? वैसे तो ठीक है पर खतरे से खाली नहीं। क्यों भ्राता? इस जंगल में एक भी वन प्राणी नहीं, ना शेर ना गीदड़। तब तो ये सुरक्षित जगह हुई ना? नहीं, इस वन में अवश्य ही राक्षस होंगे जिनके डर से वन प्राणी भाग गए होंगे। आप लोग विश्राम कीजिए, मैं देखता हूं कौन राक्षस यहां आने का साहस करता है। Thank you.
मानव गंध। काश ये मनुष्य मेरा हो जाए। ए सुंदरी, सामने आओ, नहीं तो मैं इस पेड़ को ही गिरा दूंगा। तुम कौन हो सुंदरी? क्या इंद्रलोक की अप्सरा हो? हिडिंबा हूँ। और तुम कौन हो? मैं पांडुपुत्र भीमसेन। वहां पीछे मेरा परिवार विश्राम कर रहा है। मेरा भाई आ रहा है। तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ। क्यों? वो राक्षस है, मनुष्य जनों को खा जाता है। जाओ जाओ। तो तुम राक्षसी हो? तुम भी तो हमें खा सकती हो। नहीं, तुमसे मिलने के बाद। चिंता क्यों करते हो? हम हैं ना? मैं आपकी क्या लगती हूँ? तुमने हम सब के प्राण बचाने का प्रयत्न किया है, इसके बदले में जो मांगोगी देंगे। मुझे इनके चरणों की दासी बना दें, मैं इनसे प्रेम करने लगी हूँ। क्यों नहीं, तुम्हारा क्या विचार है भीम? परंतु ये राक्षसी है। शरीर से ये भले ही राक्षसी हो, मन से ये मानव है। भीम, प्रेम ही तो मानव को मानव बनाता है। और आज तो प्रेम ने एक दानव को मानव बनाया है। और अगर तुमने इसके उपकार का बदला नहीं चुकाया
तो मानव होकर भी तुम दानव समझे जाओगे। माताश्री, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। खूब बनाई जोड़ी भगवान। तुम्हारा उपकार तो बड़ा महंगा पड़ा। मैंने पहले ही कहा था, मेरे कवच पर वार मत करना। मैं तुम्हारे दिव्य कवच का चमत्कार देखना चाहता था। पहले तो केवल सुना था, अब देख लिया। तुम्हारे कवच कुंडल तुम्हें बड़े से बड़े योद्धा से हारने नहीं देंगे। राजकुमार दुर्योधन और अंगराज कर्ण की जय। अंगराज, इस सोने पर हाथ रख दें ताकि इसे निर्धन प्रजा में बांट दिया जाए। सवा मन सोना प्रतिदिन दान कर देते हो, इस गति से तो अंग देश का राजकोष भी खाली हो जाएगा। तुमने तो एक बार में ही पूरा अंग देश दान कर दिया था दुर्योधन। सच्चे दानवीर तो तुम हो, मेरा तो केवल नाम है। वो दान नहीं था मित्र, संकट के समय सहायता थी। तुम मेरे परम मित्र हो। वाह भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी, धन्य हो। अरे मामाश्री, आप कब आए? हाँ, बड़ी देर से दोनों की मित्रता का दर्शन कर रहा था, परंतु इस मित्रता में फूट डालने वाली आ रही है। अर्थात? पंचाल नरेश ने अपनी सुपुत्री राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए न्योता भेजा है। द्रौपदी? हाँ हाँ, राजकुमारी द्रौपदी, जिसकी आंखें हिरणी की आंखों की तरह बड़ी और नीलम की तरह नीली है, जिसके होंठ स्वर्ग पुष्प की पंखुड़ियां हैं और जिसकी कमर के लटके झटके हर दिशा में प्रलय मचा देते हैं। एक नर नवेली देखी है, एक छल छबीली देखी है, एक नर नवेली देखी है, एक छल छबीली देखी है, मुस्काती हुई शर्माती हुई, मुस्काती हुई शर्माती हुई, अपनी धुन में लहराती हुई, लहराती हुई बल खाती हुई, एक नर नवेली देखी है, नवेली देखी है, एक छल छबीली देखी है। ओम भूम श्रीं मंगलाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं सूर्याय नमः स्वाहा।
तेरा रूप लिखा नहीं जाए सजना रूप लिखा नहीं जाए तेरा रूप लिखा नहीं जाए सजना रूप लिखा नहीं जाए द्युम्न अपनी बहन राजकुमारी द्रौपदी की इच्छा और महाराज द्रुपद की आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि जो भी वीर इस तेल कुंड में मछली की परछाई को देखकर उस मछली की आंख को बाण से निशाना बनाएगा राजकुमारी द्रौपदी उस वीर को वरमाला पहनाएगी। हे ईश्वर रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। राजकुमार दुर्योधन, लाक्षाग्रह का निर्माता, पांडवों का मृत्युदाता, जीवन और मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है। अंगराज कर्ण, भैया इनसे कह दें कि ये स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते, ये सारथी पुत्र हैं। ये दानवीर है, इससे बड़ा दानवीर और कोई नहीं। जो भीख में राज सिंहासन स्वीकार कर ले वो दानवीर कैसा, ना ही ये दानवीर है ना राजपुत्र। राजकुमारी तुम्हारी जीभ बिच्छू का डंक है, चलो कर। आप आज्ञा दें तो मैं प्रयास कर देखूं। हे ब्राह्मण देवता, यह तुम्हारा नहीं हम क्षत्रियों का काम है। जो क्षत्रिय न कर सके वो ब्राह्मण कर दिखाएगा। महाराज आज्ञा दें। तुम्हारा क्या विचार है द्रौपदी? मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये नहीं हो सकता, ये क्षत्रियों का अपमान है। देखते क्या हो, उठा लो द्रौपदी को, मुझे इस नागिन का फन कुचलना है। हमारे सगे संबंधी होकर एक पराये ब्राह्मण का पक्ष ले रहे हैं। जिसे तुम ब्राह्मण समझ रहे हो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं है? हाँ, वो ब्राह्मण के वेश में क्षत्रिय है। पांडव अर्जुन को जानते हो ना? अर्जुन? परंतु वो सब तो 5 वर्ष पहले ही चलकर मर गए थे। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता उसे कोई नहीं मार सकता, तुम भी नहीं। वो रहे दूसरे पांडव। अब पांडव राज सिंहासन पर फिर अपना अधिकार जताएंगे। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए अर्जुन को मैंने ही कहा था, अर्जुन अवश्य ही जीतेगा। Thank you.
माता जी देखिए आपके लिए क्या लाए हैं। मुझे क्या दिखाते हो, हमेशा की तरह आपस में बांट लो। माताश्री कौन? ये आपने कैसी आज्ञा दी थी? ये द्रौपदी है आपकी बहू, अर्जुन ने इसे स्वयंवर में जीता है। हे राम, ये मैंने बिना देखे अपने पुत्रों को कैसी आज्ञा दे दी? आपकी आज्ञा का पालन अब हमारा कर्तव्य है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता पुत्रों, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं बुआ, शब्द आपके मुंह से वेद बाणी बनकर निकले हैं। वेद बाणी? हाँ, द्रौपदी को शिव जी का आशीर्वाद है जो आपके मुख से सत्य हो गया। ये कैसा आशीर्वाद है भगवान? पिछले जन्म में तुमने शिव जी की आराधना की थी और शिव जी ने प्रकट होकर पूछा था, क्या वरदान चाहिए? पति देही। तुम्हारे मुंह से 5 बार निकला था भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया और कहा कि तुमने 5 बार पति मांगे हैं, अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। परंतु ये कैसे हो सकता है? ये तो अब होना ही है, शिव जी के वरदान और विधि के विधान को नकारा नहीं जा सकता। द्रौपदी अब 5ों पांडवों की पत्नी है। माताश्री अब आप निश्चिंत हो जाइए, ये तो सचमुच विधि का ही लिखा है। युधिष्ठिर। हाँ मुरलीधर। द्रौपदी ने तुम्हारे लिए अपना राजमहल छोड़ा है, अब तुम सबका ये कर्तव्य है कि इसे फिर राजमहल में ले जाओ। इतने वर्षों में तुमने दिव्य शस्त्र भी प्राप्त कर लिए और शक्तिशाली राजाओं को भी अपने साथ कर लिया है, अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर जाकर तुम अपना अधिकार मांग लो। जो आज्ञा प्रभु। गंगा पुत्र भीष्म नहीं चाहता कि राज सिंहासन को लेकर भाइयों में कोई विवाद हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि महाराज आधा राज युधिष्ठिर को दे दें। पितामह का यह प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूं। हमें भी आधा राज स्वीकार है। नए राज्य की नई राजधानी भी होगी। मेरे विचार से खांडव प्रस्थ को पांडव अपनी राजधानी बना ले, क्योंकि खांडव प्रस्थ हस्तिनापुर का स्वर्ग है। स्वर्ग। तो भ्राताश्री, यह खांडव प्रस्थ हस्तिनापुर का स्वर्ग,
क्या हमें फिर से इन सांपों और बिच्छुओं के बीच रहना होगा? 5 वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद हमें फिर जंगल में फेंक दिया गया। अब बनाओ इस जंगल को राजधानी। शांत गदाधारी, शांत। हम इस वन को अवश्य ही स्वर्ग बनाएंगे। अर्जुन, इंद्रदेव की कृपा सदा तुम पर रही है, तुम उनकी उपासना करो। जो आज्ञा। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। पुत्र अर्जुन। देवेंद्र, तुम्हारी आराधना मैंने स्वीकार की। प्रणाम। हे विश्वकर्मा। आज्ञा देवराज। खांडो प्रस्थ को स्वर्ग का दर्पण बना दो। जो आज्ञा इंद्रदेव। ओम नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आपने तो काया ही पलट दिया। अब हम इस नगरी को इंद्रप्रस्थ नाम देंगे। आयुष्मान भव। इंद्रप्रस्थ के बनते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाली और न्याय तथा धर्म का राज्य स्थापित किया। पड़ोसी राजा जरासन ने 100 राजाओं को बंदी बनाकर जब उनकी बलि चढ़ाने का निर्णय लिया तो भीमसेन ने जरासंध को हराकर सभी राजाओं को आजाद किया और ये सभी राजा पांडवों के पक्ष में हो गए। इस तरह धर्मराज छत्रपति राजा बन गए, अर्थात सारे जग के राजा उनके अधीन हो गए। पांडवों की इस प्रगति और लोकप्रियता से दुर्योधन की छाती पर सांप लौटने लगे। ईर्ष्या की अग्नि उसे दिन रात जलाने लगी। उसके मन की आग उस समय और भी भड़क उठी जब अर्जुन ने कृष्ण और बलराम की बहन और अपनी प्रेमिका सुभद्रा से बलराम की इच्छा विरुद्ध विवाह किया। बलराम सुभद्रा की शादी अधर्मी दुर्योधन से कराना चाहते थे। सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया और कौरवों का एक और शत्रु तैयार हो गया। तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो, तुम्हें श्रृंगार की क्या आवश्यकता? यदि मैं श्रृंगार ना करूं तो इस मायावी महल की मायावी दासियां भी मुझसे सुंदर दिखाई देंगी। असंभव। दुर्योधन इस माया महल को देखने आ रहा है। मैं चाहती हूं कि इस माया महल की हर माया को भूल कर तो केवल मुझे याद रखे। हे भगवान, तुम्हारे इस रूप से मैं भयभीत हो गया, और किसी का क्या हाल होगा। द्रौपदी क्या कर रही हो? तुम जाओ। आज महाशय दुर्योधन का ऐसा महान स्वागत करूंगी कि लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। भाई, खांडव प्रस्थ में तो लगता है सचमुच स्वर्ग उतर आया है। आ, 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 आ। मामा श्री, आपने ही कहा था ना, खांडव प्रस्थ धरती का स्वर्ग है, तो हमने आपके शब्दों को सत्य कर दिखाया। मैं तो बस यही सोच रहा था कि जब इनका राज महल इतना सुंदर है ना, तो ये माया महल कैसा होगा है? है?
ये सुंदर भी है और विचित्र भी। परंतु मामा श्री, द्वार तो बंद है, आप हमसे ज्येष्ठ हैं, हमसे पहले जाने का सौभाग्य आप ही को प्राप्त होता है, जाएं और हम छोटों को राह दिखाएं। हे द्वारपाल, हमें भीतर जाना है, कृपा करें और द्वार खोल दें। पधारिए। दुर्योधन, कहीं हमसे जले हुए महल का बदला तो नहीं लिया जा रहा है? मामा श्री, ये वो वाला महल नहीं है, ये माया महल है। ये माया दर्पण है जो मनुष्य को उसका वास्तविक रूप दिखाता है। मैं सांप हूं? सांप ये तो विचित्र दर्पण है, अति विचित्र। ये क्या? ये मैं दर्पण तो मनुष्य को उसके सामने नंगा करके रख देता है। नंगे तो दिखाई देंगे ही, वन्य प्राणी कपड़े जो नहीं पहनते, जैसे कि दूसरों के अधिकार पर झपटने वाला भेड़िया दिखाई देता है। कहीं तुम्हें यह सब तो नहीं दिखाई देता? नहीं, किसी को परखने के लिए मुझे इस दर्पण की आवश्यकता नहीं है। आइए आइए, भीतर चलिए। अब और भी रह गया है देखने को। ग्रह स्वामिनी अर्थात अपनी भाभी से नहीं मिलोगे? ओह पांचाली, चलो। प्रणाम देवर जी, प्रणाम मामा श्री। पांच पांच द्रौपदियां। इस माया में सच्ची काया कौन सी है? मैं यहां हूं देवर जी। पांचाली, तुम्हारे रूप का माया जाल किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अंधे का बेटा अंधा। पांचाली, पांचाली, तुमने हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया। मैं इस अपमान का बदला सबके सामने लूंगा। मामा श्री, चल। दुर्योधन, मामा श्री, मामा श्री, मामा श्री, ये दुर्योधन को क्या हो गया? द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया और वो रूठ कर चला गया। मैं अग्निपुत्री हूँ। दुर्योधन ने मेरा अपमान किया था और आज मैंने उस अपमान का बदला ले लिया। मेरे प्रतिशोध की आग ठंडी हो गई। पांचाली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कौरवों और पांडवों में शत्रुता समाप्त हो गई थी, परंतु आज तुमने दुश्मनी के बीज फिर बो दिए हैं। पता नहीं दुश्मनी का ये विष कहाँ तक फैलेगा।
डंक नहीं मारा, नागिन बनकर डसा है, नागिन बनकर डसा है। नागिन को वश में करने का मंत्र मुझे आता है सेवधन। खींच लाता हूं उसे पांडवों के जंगल से। आज पति भोग रही है, छठा मैं बन जाता हूं। मैं तो कल ही उसे उठवा लूंगा। ना भांजे, ना शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लो, अपने शत्रु की दुर्बलता का लाभ उठाओ। कौन सी दुर्बलता? केवल एक, धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने की बुरी लत है, समझे? युधिष्ठिर मामा के पास एक खेल दिखाने के लिए बेचैन। धर्मराज क्षमा करिएगा, छत्रपति धर्मराज कोई बड़ी चाल चलिएगा, माया है माया। भांजे, दुर्योधन के निमंत्रण पे सम्राट युधिष्ठिर इतनी दूर से कोई छोटी चाल चलना नहीं आए हैं। छोटी चाल चलना तो हमने सीखा ही नहीं। हाँ भाई, बड़ों की हर बात बड़ी होती है। लगता है आज ये अपने राज्य को भी दांव पर लगा देंगे। क्यों धर्मराज? कोई शंका है तुम्हें? मैं अपना धन और राज्य दोनों दांव पर लगाता हूँ। ये क्या अनर्थ हो रहा है? राज्य को दांव पर लगाया जा रहा है? जो बात मुंह से निकल गई सो निकल गई पितामह, धर्मराज के शब्द असत्य नहीं हो सकते हैं, है ना धर्मराज? और क्या पासा फेंकिए। सेवधन छः। मामा की जय, हम जीत गए। अब तुम पांचों मेरे दास हो गए हो। धर्मराज उतारो ये राजमुकुट। अब अपने आभूषण भी उतार दें। एक बाजी और हो जाए तो मैं दोनों राज्य दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। हमारे पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है। सबसे अनमोल हीरा मुट्ठी में दबाए बैठे हो और कहते हो हारने के लिए कुछ भी नहीं। तुम किस हीरे की बात कर रहे हो? पांचाली द्रौपदी। दुर्योधन, पांचाली का नाम लिया तो जीभ खींच लूंगा। भीमसेन, गांव पर दोनों राज्य लगे, धर्मराज को फिर सम्राट बनने का अवसर नहीं दोगे? लगाने दो पांचाली को दांव। तो हम पांचाली को भी दांव पर लगाते हैं। एक ही पास फिर मामा की जय, हम पांचाली को भी जीत गए। अभी अंतिम दाव तो बाकी है भांजे। इस बार जो हारेगा वो 13 वर्ष के वनवास पर जाएगा और अंतिम वर्ष में अज्ञातवास में रहेगा। यदि 13वें वर्ष में जीतने वाले ने हारने वाले को देख लिया या ढूंढ लिया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। बोलो कैसा लगा, सही है ना? स्वीकार है, पासा फेंकिए। भांजे मैंने कहा था ना, हम फिर जीत गए। दुशासन जी का दशरी। अहंकारी द्रौपदी को खींच लाओ, अब वो पट रानी नहीं, हमारी दासी है।
जो आज्ञा प्रातः श्री, जो आज्ञा। देख ले मुझे अंधे का बेटा कहने का परिणाम। ये क्या तमाशा है देवर जी? देवर नहीं, स्वामी कहो, तुम हमारी दासी हो। धर्मराज से हमने तुम्हें जुए में जीता है। धर्मराज, तुम्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? तुम पांचों कर्मवीरों के अभिमान को क्या हुआ? ये दास बन गए हैं, दास, और तुम मेरी दासी। मेरी आज्ञा का पालन करो, सारे वस्त्र उतार कर मेरी जंगा पर बैठ जाओ। तुम एक पतिव्रता स्त्री का अपमान कर रहे हो दुर्योधन। दूसरों का अपमान करने वाली आज स्वयं के अपमान करो ना रो रही है। पितामह, आप अपनी कुलवधु का अपमान कैसे सह सकते हैं? गुरुदेव, आपके बाण क्या केवल निर्दोष पक्षी और मछली की आंख को ही भेद ना जानते हैं? उन आंखों को नहीं भेदते जो एक स्त्री की मर्यादा को छेदते हैं। महाराज, बहुत हो चुका। दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र करके हमारे जंगा पर बिठा दो। दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को बिठाने का पापी विचार किया है, मैं उसी जंगा को तोड़कर तेरे प्राण लूंगा। मैं भी ये निश्चय करती हूँ कि अब दुशासन के रक्त से बाल धोकर ही जूड़ा बांधूंगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। दुशासन! नहीं, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो संकट मोचन आएगा, अवश्य आएगा। हम भी देखते हैं कौन आएगा। वही जिसने सती सीता को रावण से बचाया था, वही जिसने गदा से कंस को नीचा दिखाया था। वो माखन चोर, वो क्या कर लेगा? वही ब्रह्मांड का रक्षक, मेरी लाज की रक्षा करेगा। दिव्य शक्ति पांडवों के साथ है। दिव्य शक्ति? वो अवश्य ही कृष्ण होंगे। तब तो मुझे अपने पुत्रों के पाप का प्रायश्चित करना होगा। पितामह, पांडव जुए में जो कुछ हारे हैं वो मैं लौटाता हूँ, उनका राज्य भी उनको सौंपता हूँ। द्रौपदी अब दासी नहीं, पटरानी है। परंतु वनवास का वचन दिया है धर्मराज ने, उसका क्या? हम क्षत्रिय हैं, अपने शब्दों की लाज अवश्य रखेंगे। वैसे भी मेरे कारण द्रौपदी का जो अपमान हुआ है उसका प्रायश्चित करने के लिए हमें वनवास भोगना ही होगा। मैं भी वनवास भोगूंगी और मेरे खुले बाल इन सबको मेरे अपमान की याद दिलाते रहेंगे।
पूछती नहीं। कोई न जाने भाग्य की बातें, जाने भाग्य विधाता रे। क्यों ये दुनिया डोल रही है, अंधकार क्यों छाया रे। कृष्ण मुरारी ब्रिज बिहारी द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। सीधे सीधे कह देता, गोकुल का ग्वाला आ रहा है। ये गडरिया हमसे क्या लेने आ रहा है? श्री कृष्ण का पधारना हमारा सौभाग्य है। कल्याण भव। मैं पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आया हूं। आप जानते हैं कि पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास की सब शर्तें पूरी कर दी हैं। अब आप अपने वचन अनुसार आधा राज्य महाराज युधिष्ठिर को लौटा दें। भीख मांगना था तो स्वयं आकर हाथ फैलाते। पांडव भीख नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ना दूं तो फिर भाई से भाई लड़ बैठेंगे, भीषण युद्ध होगा। आप शांति प्रस्ताव लाए हैं या युद्ध की धमकी देने आए हैं? हाँ, मैं धमकी नहीं दे रहा, केवल युद्ध के भयंकर परिणाम से सावधान करना चाहता हूं। पांडवों से मेल कर लो, भाई जब भाई से मिलेगा तो फिर विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, काली की विकराल गदा, ब्रह्मा का अस्त्र, शिवजी का धनुष तुम दोनों की एकता को नहीं पछाड़ सकेगा। दुर्योधन, कृष्ण कन्हैया के प्रस्ताव को मान लो, एकता में ही शक्ति है। हमें ऐसी एकता की कोई आवश्यकता नहीं। दुर्योधन, ये अभिमान ठीक नहीं। ये अभिमान तो छत्रपति राजाओं का श्रृंगार है, मैं इसे त्याग नहीं सकता। अर्थात तुम आधा राज्य नहीं दोगे? भुजाओं में बल है तो युद्ध करके ले लें। युद्ध को टालने के लिए आधा राज्य ना सही, पांच पांडवों को पांच गांव ही दे दो। पांच गांव तो क्या,
सुई की नोक के बराबर धरती भी नहीं मिलेगी। तो फिर याद रखो दुर्योधन, 13 वर्षों में पांडवों ने देवताओं से जो शस्त्र और वरदान पाए, केवल उन्हीं के बल से पांडव समस्त कौरव मंडल को नष्ट कर सकते हैं। तुम सब नष्ट हो जाओ। उसके पहले तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। देखते क्या हो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, आगे बढ़ो। कौरवों के विरुद्ध कभी हथियार ना उठाने की प्रतिज्ञा ना की होती तो आज अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारे सरों का ढेर लगा देता। बचोगे तुम फिर भी नहीं, युद्ध भूमि पे पांडवों के हाथों तुम अवश्य मारे जाओगे। शांति दूत बनकर आए और युद्ध की धमकी देकर चले गए। अच्छा है, तो अब युद्ध होगा। गुरुदेव, दुशासन, मामा श्री और कर्ण युद्ध की तैयारियां करें। पितामह, आप सेनापति का पदभार संभालेंगे। वो तो संभालना ही होगा, क्योंकि मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन की सुरक्षा का प्रण लिया है। परंतु दुख इस बात का है कि आज तुम्हारा हठ मुझे अपने प्रिय अर्जुन और पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाने पर विवश कर रहा है। परंतु युद्ध में केवल क्षत्रिय भाग लेंगे। यदि कर्ण युद्ध में भाग लेगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु पितामह, आप निश्चिंत होकर सेनापति का पदभार संभालें, आपकी इच्छा विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। क्या हुआ पार्थ? अर्जुन, अर्जुन तुम विचलित क्यों हो गए? बताओ कुंती कुमार, क्या बात है? मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता मैं। ये तुम क्या कह रहे हो, क्यों नहीं लड़ सकते? मेरे बाणों के निशाने पर अपने ही सगे संबंधी होंगे, तो फिर मैं बाण कैसे चला सकता हूं? ये देव मंदिर नहीं,
कर्तव्य का संग्राम है। तुम्हारे पितामह और गुरु द्रोण भले कितने ही अच्छे हों, परंतु प्रतिज्ञा और कर्तव्य के बंधन से बंधे हैं, इसीलिए अधर्मियों का साथ दे रहे हैं। तुम्हें उनका वध करना होगा। मैं अपनों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता, वासुदेव नहीं रंग सकता। तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। यदि तुम धर्म का राज्य स्थापित नहीं करोगे तो अधर्म का राज होगा। जिन कौरवों ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहा था, वही पापी हाथ तुम्हारी माँ बहनों को सबके सामने निर्वस्त्र कर सकते हैं। इसलिए युद्ध करो। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं, वीरता है। अर्जुन, तू किसी के मरने का दुख मत कर। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। सुन अर्जुन, न आत्मा मरती है, न मार सकती है, ना अग्नि इसे जला सकती है, ना जल इसे डुबा सकता है। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा नए शरीर में प्रवेश करने के लिए पुराने शरीर को छोड़ देती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। परंतु अज्ञानवश मैं आज तक आत्मा को नाश होने वाली वस्तु ही समझता रहा हूं। मैं तुझे समझाता हूं, मेरा विराट रूप देख। की चिंता करता है। देख, मैं ही सबका मृत्युदाता हूं और मैं ही सबका जन्मदाता हूं। बता, क्या अब भी तेरे अज्ञान का नाश नहीं हुआ? बस प्रभु, बस। आपका तेज और सहन नहीं कर सकता। मैं तो अज्ञानवश आपको केवल बंसी बजाइया ही समझता रहा, परंतु आपसे बढ़कर कोई देवता नहीं। आपसे ही जीवन है और आपसे ही मृत्यु। तो ठीक है वत्स, तू अब समस्त शंकाओं को त्याग कर मेरी शरण में आ और मेरी आज्ञा का पालन कर। आंखें खोलो भक्त। वो तो आपने खोली थी भगवान। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि सबको मैं ही मारूंगा। इनकी मौत का तो नाम मात्र कारण बन जा। चलो वत्स, अब कायरता मत दिखा, गांडी उठा और बाण चला। जो आज्ञा प्रभु। आप अपना शंख बजाइए, मैं युद्ध करने को तैयार हूं।
जब तक पितामह युद्ध भूमि पर डटे रहेंगे हमारी जीत असंभव है। तो फिर क्या करें? उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। हाँ, परंतु उनकी छाती को अनगिनत तीरों से छेद कर उन्हें धराशायी तो किया जा सकता है। असंभव। शक्ति नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि या युक्ति से? तुम नहीं समझोगे। पितामह को धराशायी करने का कार्य तुम लोग अर्जुन और मुझ पे छोड़ दो। कल पितामह अवश्य ही अपना धनुष नीचे करने पे विवश होंगे। चलाइए बाण। चलो यहां से। हे कृष्ण, ये अवश्य ही आपकी चाल है। युद्ध भूमि पर ये कैसा रास रचा रहे हो? अर्जुन, मैंने कहा था अर्जुन शिखंडी है पुरुष, किंतु पितामह उसे स्त्री मानते हैं, इसलिए उस पर बाण नहीं चलाएंगे। मैं एक क्षत्रिय इस पुरुष रूपी स्त्री पर बाण नहीं चला सकता और ना ही इसका अशुभ मुखमंडल देख सकता। चलो यहां से। अर्जुन, चलाओ बाण। पर वासुदेव, बाण चलाओ। अर्जुन, अर्जुन बाण चलाओ, इससे अच्छा अवसर नहीं है। ठीक है, मुझे क्षमा कर दीजिए पिता। हे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अर्जुन ही प्यास बुझाते हैं,
ये कैसे नाते रिश्ते हैं, पहिए में काल के पिसते हैं। काकाश्री, कहो पुत्र अभिमन्यु। पिताश्री इतनी जल्दी कहाँ गए? अर्जुन आज सवेरे ही युद्ध के लिए चल पड़े, उन्हें आज दक्षिण की छोर से युद्ध करना है। क्यों भ्राताश्री, आज कौरव युद्ध भूमि पर चक्रव्यूह बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। चक्रव्यूह अर्थात मृत्यु जाल, जिसमें फंसकर कोई भी सैनिक जीवित नहीं निकल सकता। समस्या गंभीर है, अर्जुन है नहीं और चक्रव्यूह किसी को तोड़ना नहीं आता। मुझे आता है पूज्य। अभिमन्यु, तुमने ये विद्या कब सीखी? गर्भ में। गर्भ में? एक दिन माता सुभद्रा को नींद नहीं आ रही थी, तो पिताजी उनका मन बहलाने के लिए चक्रव्यूह के सातों द्वार को तोड़ने की विधि बताने लगे। मैंने भी सुनी और एक एक शब्द मानो मन पर लिख लिया। तब तो भतीजे, आज हम तुम्हें सेनापति बनाएंगे। क्यों भ्राताश्री? नहीं भीमसेन, अभिमन्यु अभी बालक है, कुछ अशुभ हुआ तो अर्जुन को क्या उत्तर दूंगा? अर्जुन ने जुए में मुझे दांव पर लगाने पर कुछ नहीं कहा, तो ऐसे रणभूमि में अपना शौर्य दिखाने का अवसर देने पर क्यों कुछ कहेगा? मेरा सगा पुत्र होता तो मैं अभी उसे आज्ञा दे देती। भ्राताश्री, आप निश्चिंत होकर आज्ञा दें। ठीक है, तो हम आज इस छठे पांडव को अपना सेनापति घोषित करते हैं। पूज्य, एक समस्या है। वो क्या? जब पिताश्री छह द्वारों को तोड़ने की विधि सुना चुके तो माताजी को नींद आ गई। और सातवां द्वार तोड़ने की विद्या तुम नहीं सीख सके, यही ना? हाँ। तो क्या हुआ, सातवां द्वार मैं तोड़ूंगा। मुझ में 400 हाथियों का बल है, गुरुदेव का चक्रव्यूह आज अवश्य ध्वस्त होगा। शूरवीर बालक की बलि न चढ़ जाए। तुम पांडवों का नाम अवश्य ऊंचा करो, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन ये किया षड्यंत्र है,
कौन? शतरानी कुंती। रानी मत कहो, एक भिखारन बनकर कुछ मांगने आई हूं। एक सूत पुत्र शतरानी को क्या दे सकता है? जीवन दान, मेरे पांचों पुत्रों का जीवन तुम्हारे हाथों में है। अच्छा, तो तुम ये जानकर आई हो कि पिता मां और गुरु द्रोहन के बाद दुर्योधन ने मुझे सेनापति बना दिया। अब युद्ध भूमि पर पांडवों के प्राण मेरे अचूक बाणों की कृपा पर निर्भर है। तो ये कृपा तुम कर दो, उन्हें मत मारो, वो तुम्हारे शत्रु नहीं है। पांडव तुम्हारे भाई हैं। क्या कृष्ण ने तुम्हें नहीं बताया? बताया कि तुमने ही मुझे जन्म दिया और जन्म देते ही नदी में बहा दिया। छाती पर हाथ रखकर कहो कि मां ऐसी होती है, पांच पुत्रों की मां बनकर भी तुम मां नहीं बन सकी। मां बनना है तो राधा से सीखो, जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया परंतु अमृत भरी छातियों से मुझे दूध पिलाया। इतने नुकीले तीरों से एक माँ के हृदय को घायल मत करो। मेरे सीने में कितने घाव हैं ये भी जानती हो? भरी रंगशाला में जब घृणा से सब सूत पुत्र कह रहे थे, तुम चुप क्यों? मैं विवश थी कि एक कुमारी कन्या माँ कैसे बन गई। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पी हूँ। माँ जो हूँ, एक स्त्री की विवशता समझो कर्ण। आज भी तुम मुझे अपने सीने से लगाने नहीं, अपने लाडले पुत्रों के प्राणों की रक्षा के लिए आई हो। मेरे पुत्र तुम्हारे भाई भी तो हैं। दुर्योधन को छोड़ मेरा कोई भाई नहीं, तुम्हारे कारण मैं तो सूत पुत्र कहलाया और दुर्योधन के कारण अंगराज। दुर्योधन ने तुम्हें छोटा सा अंग देश दिया है, पांडव तुम्हें सारे हस्तिनापुर का महाराज बना देंगे। हस्तिनापुर तो क्या त्रिलोक का राज भी मिले, तब भी मैं दुर्योधन के उपकार के आगे ठोकर मार दूंगा। अर्थात दुनिया जिससे मांग कर खाए, माता उसके द्वार से खाली हाथ जाए। तुमने तो मुझे त्याग कर अपनी झोली खाली कर दी थी, पर मैं तुम्हारी झोली खाली नहीं रखूंगा। मां से पहले मैंने बाप की झोली भी थोड़ी देर पहले भरी है। बाप की झोली? हाँ, अर्जुन के पिता इंद्रदेव अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मुझसे मेरा कवच और कुंडल मांग कर लेते हैं। वो समझते हैं मेरे पास कवच और कुंडल ना होंगे तो अर्जुन मेरा वध कर सकेगा। पुत्र, बाप को निराश नहीं लौटाया, तुम्हें भी नहीं लौटाऊंगा। चलो मांग लो जो चाहिए, तुम तो मां नहीं बन सकी, मैं पुत्र होने का कर्तव्य निभाता हूं। मैं तो केवल अपने पांचों पुत्रों के प्राण मांगती हूं। देवी, तुम अपने पांच पुत्रों को जीवित देखना चाहती हो ना, तो जाओ, तुम्हारे पांच पुत्र बने रहेंगे। मैं युद्ध में अर्जुन के सिवा किसी और पांडव को नहीं मारूंगा। अर्जुन मरा तो कर्ण सहित पांच, और अगर मैं मरा तो अर्जुन समेत तुम्हारे पांच पुत्र जीवित रहेंगे।
ये तुम्हें क्या हो गया कर्ण? लगता है तुम युद्ध करना ही भूल गए हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एक के बाद एक नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, यहाँ तक के भीम तुम्हारे बाणों के निशाने पर है, मगर तुम्हें मार नहीं सके। बताओ कर्ण, बताओ कर्ण, इसका क्या कारण है? क्या कारण है कर्ण? मैं तो केवल अपने पांचों बाजुओं के प्राण मारती हूँ। राज, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान सिर्फ अर्जुन पर। अर्जुन मरा, समझो सब पांडव। यदि आज अर्जुन नहीं मरा तो हमारी पराजय निश्चित है। आज मैं अवश्य अर्जुन को मृत्युलोक पहुंचाऊंगा। तो निहत्थे थे। नहीं, मैं छल से नहीं मार सकता। उसने भी तो तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को छल से मारा था। चलाओ बाण। क्षमा करो जनों, मैं अपने क्षत्रिय धर्म के नियमों को तोड़कर अभिमन्यु के हत्यारे की हत्या करने जा रहा हूं। मेरे पांचों पुत्रों का जीवन तुम्हारे हाथों में।
के द्रौपदी के बाल धोने हैं, उन्हें फिर से पवित्र करना है। मैं कहता हूँ कि सब माया है माया, तब तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ मत उठाइए, क्योंकि मेरे हाथ है ही नहीं, क्योंकि सब माया है माया, तो जब हाथ है ही नहीं तो उठाए क्या। पापी अधर्मी जीवित नहीं रहा। परंतु प्रभु, यह युद्ध हम जीत कर भी हार गए। सब अपनों को ही खोया है हमने। वर्ष में पांडवों के राज के रूप में राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। ज्येष्ठ पांडु पुत्र पधारे। ठहरो, इस राज तिलक से पहले मैं वो कलंक का टीका मिटा देना चाहती हूँ जो मेरे ज्येष्ठ पुत्र के माथे पर लगा है। कलंक मेरे माथे पर? मैं तुम्हारी नहीं, उस अभागे कर्ण की बात कर रही हूँ जिसे संसार सूत पुत्र समझता है। वो सूत पुत्र नहीं था, दानवीर कर्ण ज्येष्ठ पांडव था, तुम्हारा बड़ा भाई।
परंतु ये कैसे संभव है? मैं बताता हूं। सूर्यदेव ने विवाह से पहले ही बुआ को कर्ण वरदान में दे दिया था। महाबली कर्ण राजपुत्र था, इस पे भी उसका बार बार अपमान होता रहा और बुआ कुंती ये सब सहती रही। और कर्ण को जब सच का पता चला तो उसने तुम पांचों को ना मारने की, अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें तो छोड़ दिया, परंतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज यदि कर्ण जीवित होता तो इस सिंहासन पर उसी का अधिकार होता। भ्राता श्री कर्ण यदि लौटने वाले होते तो मैं उनके खड़ाऊं राजगद्दी पर रखकर उनके नाम से राज करता। काश आप अधर्मियों के साथ ना होते तो मैं आपको मारने के बजाय आप पर अपने प्राण निछावर कर देता। मैं दानवीर कर्ण की परंपरा अनुसार प्रतिदिन उनके नाम से सवा मन सोना राजकोष से दान करूंगा। मेरे कर्ण के माथे से कलंक का टीका मिट गया, अब आप राज तिलक करें। जाएगी ये काली माँ, पंछियों के गीत गूंजेंगे नए सुर ताल में, फिर नए मोती सजेंगे इस समय के भाल में। सभ्यता के देश में होली दिवाली आएगी, हर गली आंगन में आशा किरण पहिया आगे बढ़ा। पांडवों ने कई वर्षों तक राज किया। खुशहाली, धर्म, न्याय, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर छा गया। परंतु आज मनुष्य ने इस कथा और काल ने दिए ज्ञान और भाईचारे के पाठ को भुला दिया है। तुम तो याद रखोगे, अब से मिलजुल कर रहो, बड़ों का आदर, न्याय, सत्य का साथ कभी न छोड़ना। और वादा करो, यही पाठ तुम औरों को भी याद दिलाओगे। हाँ, हम वादा करते हैं। बहुत अच्छे।